खुदावंद के हजूर गाओ और उसके नाम को मुबारक कहो और उसकी निजात की बशारत दो। मसीह यसु के अजीम बाबर के जलाली नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों पर खुदावंद की सलामती हो। मैं बाबर इमैनुएल अपने कैमरामैन तारिक प्यारा के साथ आपको वेलकम करता हूं प्रोग्राम हाउस ऑफ नेशंस में। आज आप हमारे साथ मौजूद हैं रायवेन डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान के एक खूबसूरत चर्च सेंट एस्टर मेमोरियल चर्च में, जो कि मौजूद है क्यू ब्लॉक मॉडल टाउन में। आज आप हमारे साथ इस चर्च का विज़िट करेंगे और यहाँ पर जो खुदा उनके खादम अपनी पासबानी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं पास्टर सलीम अख्तर खोकर साहब, उनसे भी मुलाकात करेंगे और जानेंगे इस चर्च की सारी हिस्ट्री के बारे में। तो आइए चलते हैं चर्च के अंदर मेरे साथ। जी नाज़रीन, अभी आप मेरे साथ मौजूद हैं चर्च के अंदरूनी हिस्सा में जहाँ पर इबादत की जाती है। तो अभी वक्त है कि हम यहाँ पर जो इस वक्त खुदा उनके खादम अपनी पासबानी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं पास्टर सलीम अख्तर खोकर साहब, उनसे मुलाकात करें और जानें उनसे इस चर्च की हिस्ट्री के बारे में। भाई साहब, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं कि आज आपने हमें मौका दिया कि हम इस खूबसूरत चर्च को कवर कर सकें। मेरे लिए ये इंतहाई खुशी की बात है कि आज हमारे साथ हमारा खूबसूरत ग्रुप जो है, ख़ास तौर पे नेशनल न्यूज़ की जानिब से हमारे ये साथी जो हैं, ये जगह जगह पहुँचते हैं और सबसे पहली बात इनकी जो खिदमत का मिशन है वो गॉस्पल प्रमोशन है। ये इंजील की मुनादी के लिए जगह ब जगह जाते हैं और आज चर्च में इनका आना भी इसी बात की एक कड़ी है। सो मैं ख़ास तौर पर बाबर का और हमारे कैमरामैन जो हैं भाई तारिक, उनका इंतहाई मशकूर हूँ कि आप हमारे गिरजाघर में तशरीफ़ लाएं। भाई साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा इस चर्च की हिस्ट्री के बारे में, वो हमारे नाज़रीन को प्लीज़ आप बयान कीजिए। इस चर्च की एक बहुत खूबसूरत तारीख है, हिस्ट्री है। ये लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, मैं समझता हूँ कि ये अहद के संदूक की तरह चर्च है कि अहद का संदूक जो था वो खुदा की हजूरी को बयान करता है, खुदा के जलाल को बयान करता है और उसकी हजूरी में जो आता है वो बरकत पाता है। मॉडल टाउन के अंदर हमारे इन मसीही लोगों का होना ये किसी बरकत से कम नहीं है, क्योंकि हमारे माशरे में
इतनी ख़ूबसूरत जगह पे लोगों को नहीं देखा जा सकता, लेकिन यहाँ पे जो ख़ूबसूरत बात यह है कि हमारे लोग मॉडल टाउन में रहते हैं और ये मॉडल टाउन का वाहिद चर्च है। इसकी हिस्ट्री जो है वो इस तरह से है कि यहाँ पहले चर्च नहीं था, फिर जब चर्च नहीं था तो साथियों ने यहाँ मुश्किलात आईं और फिर इन्होंने चर्च बनाया। इतनी यूनिटी थी, इतना इत्तेहाद था इनके दरमियान, इन्होंने रातों रात एक कच्चा मकान जो था बनाकर इबादत के लिए ऊपर क्रॉस लगाई। उसी की बदौलत आज इन लोगों पे खुदा का फजल भी है, उसी की बदौलत मैं समझता हूँ इन पे खुदा की हजूरी और मसा ठहरा हुआ है, जिसका निशान उसकी ये हजूरी हैकल की सूरत में है। ये हैकल जो है, इस कलीसिया में बहुत से खादमों ने वॉलंटियर खिदमत की, लेकिन राइवन डाइसिस के साथ इसका इलहाक या इसके एसोसिएशन जो है वो 1997 में हुई, जिसमें ख़ास तौर पे जब इस चर्च की बुनियाद रखी गई। उस वक्त के हमारे मौजूदा बिशप जो थे, बिशप सैमुअल रॉबर्ट अज़राया, उनके दस्ते शफकत से, और जो मकामी पासवान थे पादरी इमैनुअल खोखर, जो कि इस चर्च के फाउंडर भी हैं, उन्होंने कलीसिया के साथ मिलकर इसको फाउंडेशन रखी। और फाउंडेशन लेड ऑन अप्रॉक्सीमेटली 20 अगस्त 1997, और फिर 1997 के इसकी जब बुनियाद रखी, जब दीवारें खड़ी की गईं, तो फिर पादरी मैनुअल को यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया और वो फिर यहाँ से सेंट जॉन चर्च लियाकताबाद में चले गए। और उनके बाद यहाँ पे पादरी सिद्दीक भट्टी साहब आए। फिर अब जो चर्च को हम खूबसूरत देख रहे हैं, दीवारों से ऊपर जाना, छत का होना, आज ये छत बड़ी खूबसूरत लग रही है। इसकी भी एक हिस्ट्री है, जब मज़दूर इसको बना रहे थे, जब ये छत डाली गई तो उसके पिलर्स ठीक नहीं डाले गए। मज़दूर ऊपर भी काम कर रहे थे, लोग ऊपर भी थे, नीचे भी थे, और जो छत थी वो गिर गई। न्यूज़पेपर्स में आया, टीवी में न्यूज़ में आया, और फिर कलीसिया में और ज़्यादा इस चर्च को बनाने के लिए जो जोश व खरोश था वो पैदा हुआ। मुख्तलिफ़ कलीसियाओं की मदद से, मुख्तलिफ़ इंडिविजुअल साथियों की हेल्प से इस छत को बनाकर तैयार करके इस तरह बनाया गया। और इसकी फिनिशिंग जो थी पादरी सिद्दीक भट्टी साहब ने की, और फिर वो 2002 तक रहे। 2002 में उनकी फिर ट्रांसफ़र हुई और उनके बाद पादरी सैमुअल अजीम यहाँ पर आए, जो 2016 अगस्त तक रहे, और फिर वो सेंट पीटर चर्च गए। और 2016 अगस्त के अंदर खुदावंद ने मुझे पासबानी खिदमत करने का यहाँ पर मौका दिया, और 2016 से अप टिल नाउ मैं खुदा की यहाँ पे पासबानी खिदमत कर रहा हूँ। ये इसकी मुख्तसर सी तारीख है, लेकिन बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन मैंने इक्तसार के साथ ये चंद बातें जो थीं आपको बताई हैं कि मॉडल टाउन का ये खूबसूरत चर्च है, खूबसूरत लोग हैं, ईमानदार हैं, वफादारी से खुदा के घर के साथ वफादार हैं, उसकी छत के नीचे, उसके साए के तले खुदावंद को जलाल देते, इज़्ज़त देते, तारीफ़ और बंदगी करते हैं। भाई साहब, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने चर्च की मुफसल हिस्ट्री बयान की है। इस वक्त आपके चर्च में रजिस्टर्ड मेंबर्स कितने हैं? एक एक ख़ानदान के अंदर जब एक्सटेंशन होती है तो घराने वसत पाते हैं। एक एक ख़ानदान के अंदर चार चार बेटे हैं जो शादीशुदा हैं, लेकिन कलीसियाओं में अवेयरनेस ये इतनी नहीं है कि जब बेटा अपने घर वाला हो जाता है तो वो भी अपनी लग से रजिस्ट्रेशन करवाए। रजिस्ट्रेशन होने का मतलब यह है कि हमें अपने चर्च के बुनियादी अरकान का पता होना चाहिए, कितने एसोसिएटेड हैं विद चर्च। सो यहाँ पे ऑलमोस्टली चर्च इज़ कंप्राइजिंग ऑन अप्रॉक्सीमेटली 200 फैमिलीज जो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन मोर देन 200 फैमिलीज आर लिविंग इन दिस एरिया। इबादत के क्या औकात हैं? आया कि संडे सर्विस होती है, उसके अलावा भी जो सर्विसेज होती हैं वो भी प्लीज़ हमारे नाज़रीन को बताइए। संडे सर्विस रेगुलर है। संडे सर्विस का मतलब जो है कि हम हर संडे मसीह खुदावंद की क़यामत का जश्न मनाते हैं, मसीह खुदावंद की जी उठी ज़िंदगी की शुक्रगुजारी करते हैं। मसीह खुदावंद की जी उठी ज़िंदगी के लिए
हम इस बात का फख्र करते, उम्मीद करते हैं कि जिस तरह वो मर के जी उठा है, वो अपनी कुदरत से हमें भी मौत आएगी फिर जिंदा करेगा। सो संडे की सर्विस इसलिए भी लाजम है, यहूदी कॉन्टेक्स्ट में पाक सब्बत जो था वो सैटरडे का है, स्टिल दे आर सेलिब्रेटिंग ऑन सैटरडे। लेकिन हम क्यों संडे मनाते हैं? क्योंकि मसीहा मर के संडे की सुबह को जब औरतें कब्र को देखने गई, पतरस और यूहन्ना गए, तो उस दिन से हमारी तारीख जो थी कियामत के वसीला से बदल गई। वो सबत जो था वो चेंज होके हमें इबादत, शुक्रगुजारी और मसीह की जी उठी ज़िंदगी के इजहार के लिए, जश्न मनाने के लिए संडे का दिन दिया गया। संडे की इबादत अहम है, इसके साथ रेगुलरली रफाकत ख़वातीन बुध मीटिंग करती हैं, संडे स्कूल के हमारे टीचर्स बच्चों को लेकर तीन सेक्शन हैं, तीन सेक्शंस में एज वाइज उनको डिवाइड किया गया है, यूथ के साथ काम होता है। सो ये इबादत जो हैं वो रेगुलरली इस तरह से हम सर अंजाम देते हैं। भाई साहब, मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ आपकी इस खूबसूरत तोहफे का, पादरी साहब की एक खूबसूरत काविश जिनको इन्होंने तहरीर किया है, और इस बुक का नाम है मुकदमा अल-मसीह। और इससे पहले भी पादरी साहब आपने कोई किताब लिखी है? ये मेरी पहली किताब थी, और दूसरी किताब जो है वो ईस्टर के ताल्लुक से है, कियामत-उल-मसीह, यानी वो जी उठा है, उसकी जी उठी ज़िंदगी के ताल्लुक से मैंने लिखी, जिसके 18 चैप्टर्स हैं और 18 चैप्टर पर वो मुश्तमिल है। तो नाज़रीन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बहुत खूबसूरत किताबें हैं, और ये मालूमात में इजाफे के लिए हमारी रूहानी तरक्की का बाइस बनेंगी। आप ज़रूर इन कुतुब को ख़रीदिए, और कमेंट बॉक्स में आप अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर हमें दीजिएगा, और ये किताबें हम आप तक इरसाल कर देंगे। ऐसे ही भाई साहब? जी बिल्कुल। तो आपने भी भाई साहब कमेंट्स में जितने भी मतलब के आपके चर्च को विज़िट कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया, आपने उनका आंसर भी करना है, कमेंट्स भी करना है। और जितने भी लोग इस किताब को लेना चाहें, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप प्लीज़ ख़ुद ही उनको कमेंट कीजिएगा। जी ज़रूर, बिल्कुल ठीक है। नेशनल न्यूज़ की जानिब से अगर आप मुकदमा-ए-अल-मसीह और सात सलीबी कलमात, ये जो बुक है, और इसके साथ जो दूसरी किताब है कियामत-उल-मसीह, तो हम अगर आप लिखेंगे तो इसका थोड़ा सा हदिया है, बहुत ज़्यादा नहीं, प्रिंटिंग के लिए बस, तो वो आप ज़रूर लें। आज के दौर में हम पढ़ने वाले नहीं हैं, लेकिन बुक दोस्त बने ताकि हम खुदावंद के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें। तो मैं अपनी टीम का नेशनल न्यूज़ की जानिब से, जो इस किताब की एक तरह से मैं समझता हूँ रूनमाई तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन आज फिर उन्होंने ये मौका बख्शा कि इसे मुतारफ़ करवाया जाए, तो मैं दिल की गहराइयों से फिर आप सबका ममनून हूँ, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने आज सेंट एस्टर मेमोरियल चर्च को विज़िट किया, और हम नहायत शुक्रगुजार हैं यहाँ के जो मुकामी पासबान हैं पादरी सलीम अख्तर खोकर साहब, उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस चर्च की हिस्ट्री के बारे में बताया। तो हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए, अपने कमेंट हमें ज़रूर दीजिएगा इस चर्च के हवाले से, इसकी खूबसूरती के हवाले से, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको दूसरे चर्चेज़ जो कि लाहौर में तारीखी हैं उनको आप तक लेकर आ सकें। अभी मुझे और मेरे कैमरामैन तारिक प्यारा को इजाज़त दीजिए, और हम मिलेंगे एक और खूबसूरत चर्च में।